हेलो गाइस, ये मेरे करियर की तीसरी वीडियो है, तो वीडियो को लाइक तो कर दो। ओए जिस साना तेरे मैं जाइ ना मैंने भी लगता कुछ तेरी वीडियो लाइक करूंगा। क्यों सर, क्या हो गया क्यों दे यार लगदे पहला मैच तो वेख ला किसे मैच भी नहीं चलिया तू। सर? फिर अब मैं क्या करूं, मतलब अपनी फॉर्म वापस लेकर आने के लिए। वापस तो उन्होंने कह मैं जे एक करी फॉर्म आई होवे किसे भी मैच तो तेरे तो रन नहीं बनी जंदे। फिर सर अब क्या करूं मैं, बताओ, आप बता दो। पहला तो नेट ते आ नेट प्रैक्टिस कराना तेनू अज मैं पूरी वेख आ मैं मशीन लाती ते मशीन चो एक एक करके बोल निकलो वेख के शॉट मारी हल बैट किधर घुमाई ना भरावा वेख ला पहला बैट नू ते बॉल नू ध्यान नाल खेड मतलब सारियां शॉटां उच्चियां ना मार नीवियां मार आराम नाल ग्राउंडड खेड। हाँ आ वेख वज्जिया ना शॉट तू पहला पता की करते बॉल वेखदा नहीं ते बैट ऐ घुमा देना जिवें पता नहीं की छक्के मार। हाँ ऐ ग्राउंडड खेड आराम नाल हरेक बॉल पहला बैट ते लिया फिर हौली हौली उच्ची शॉटां मैच च मारन दी करी पर मैच भी आराम नाल खेडेगा तो तू जीतेगा मैच स्कोर भी तगड़ा बनाएगा कोई नहीं टेंशन ना ले आपां तेरे नाल हाँ। तो दोस्तों, जैसे कि कोच ने बताया, सारी प्रैक्टिस करके, अच्छी तरह नेट प्रैक्टिस करके अब मैं मैच के लिए आ चुका हूँ। और मेरे 39 रन, मतलब 40 का टारगेट है, मेरे नहीं, मतलब मेरे को 40 का टारगेट है। हर बार की तरह अकेला आ चुका हूँ और स्पिनर को दिया है उन्होंने पहला ओवर। अरे यार, शॉट ये भी नहीं लगी, लेकिन फील्डर नींद में था मेरे को लगता है, तो चौका तो मेरे को मिल जाएगा। तो गाइज, मतलब नेट प्रैक्टिस करने के बाद पूरा एक्सपीरियंस हो गया था हमारे बंदे को। तो आज नेट प्रैक्टिस के बाद पहले ही मैच में ही फुल फ्लो में था हमारा बंदा। पहली 3 गेंदों में 3 चौके मार दिए थे। ओ भाई, लिख के ले लो, आज का मैच नहीं हम जीतते, आज हारेंगे हारेंगे। ओ टाटा, मेरी बात सुन, अब मैं नेट प्रैक्टिस करके आऊँ, बैटिंग पे मुंह मत मारना। भाई ये क्या बात है, मैं तेरे को रन आउट करवा दूंगा। बॉल का खेलने को दी टाटा को और ये हाल कर दिया टीम का। आप स्कोर देख लो, 36-2 है, लेकिन मेरा बंदा तो फॉर्म में है आज। अबे यार, मेरे को ओवर ने दिया, मैच हार गए ना। तो चलो, आज का मैच हम जीते हैं, फिर भी हमको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला। चलो कोई नहीं, अगले मैच में हम आ गए। हमको 33 का टारगेट था और स्टार्टिंग में ही हमारा बंदा पूरी फॉर्म में नजर आ रहा था। आते इसने पहली 2 गेंदों में छक्के लगाए और तीसरी गेंद पे भी फिर से छक्का, मतलब पहली 3 गेंदों में 3 छक्के। ओए मेरी बात सुन, मांग तो पाने आ गया था, बॉल तो ठीक से कर। कोच साहब की कृपा अभी तक मेरे पे थी और मैंने चौथा छक्का भी लगा दिया, मतलब 4 गेंदों में 4 छक्के। हो जाओ सभी पास हो जाओ, ये बंदा मांग डाल रहा था, मतलब मैंने इसको कहा था वहां पर खड़ जा, बॉलिंग मत कर, फिर भी मांग डाली है। इस मैच में छोड़, तेरे को अगले मैच में कभी भी बॉलिंग नहीं दूंगा आपसे मैं। इस बार हमने किसी भी किसी प्रकार का कोई भी तर्स नहीं करना था, हम तो अपनी बैटिंग वैसे ही तेजम तेज करते हुए और उसके बाद फिर से चौका लगाया। 5 गेंदों में अभी तक 28 रन मैंने मार दिए थे और पहला मैन ऑफ द मैच मेरे को मिल गया था कोच साहब की कृपा के साथ। अगले मैच में हम आ चुके हैं, अगले मैच में हमको 53 रन का टारगेट है। भाई मेरी बात सुन, चश्मे को ध्यान से रखना। 250 का चश्मा लेके हवा मारता है, तेरे पास तो वो भी नहीं है। ओए तू जाके अपनी बैटिंग कर ले चुपचाप। अगले मैच में भी हमारा बंदा पूरी फॉर्म में था, पहली गेंद पे ही बैट घुमाया और पहली गेंद पे ही चौका पाया। सिद्धार्थ भाई, आगे से मैं स्ट्राइक पे आया करूं। अब कैसे भाई भाई कर रहा है भाई? शुरू वाले मैचों में टाटा मतलब अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, तो इस बार मैंने सोचा कि मैं अकेला ही बैटिंग करूं, इसको स्ट्राइक नहीं दूंगा अच्छे से। वैसे ही हमारा बंदा पूरी फॉर्म में है तो शॉट पे शॉट मार रहा था। ओए बॉल थोड़ी सी तेज कर, आसान से छक्के मार रहा है। तू चला जा, मैं तेरा सिर पाट दूंगा। खुद ने कभी बॉल नहीं की, आ गया सिखाने मेरे अपना को। अपना बंदा फुल फ्लो में अगली गेंद पे छक्का, 5 गेंदों में 24 रन। यॉर्कर बॉल डाल, यॉर्कर बॉल। ओ पीछे हो जा तू फील्डर। ओ हेलो, मेरी बात सुन लो कोई। ओ हेलो हेलो, मेरी भी बात सुन लो यार, जाओ मरो। अपना बंदा फुल फ्लो में 9 गेंदों में 44 रन बना दिए थे, तो मैंने सोचा 10 गेंदों में 50 रन बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा एक। तो बैटिंग नहीं दे रहा ना, देखना इस गेंद पे तू आउट होगा, मैंने नींद डाल दी है, काली जुबान है मेरी। बारे में खुद कौन ऐसे बोलता है भाई, मेरे थे 9 गेंदों में 44 और 10 गेंदों में भी 44 और मैं आउट हो चुका, 50 का आंकड़ा वहीं पर रह गया, उसकी काली जुबान ने मार डाला, लेकिन मैन ऑफ द मैच मेरे को मिला। सर ये ट्रॉफी आपकी है। तो फिर तुमने क्यों पकड़ी है? जी क्या आपको पता है कि रीजनल ब्लड्स की सिलेक्शन हो चुकी है और सिद्धार्थ ग्रोवर की भी उसी टीम में सिलेक्शन हो चुकी और है, मेरी मतलब भी सुनो। अब रजिस्टर्ड हो चुका है उनका नाम, देखते हैं कि कौन सी टीम से खेलेगा सिद्धार्थ ग्रोवर आगे के और लिए। बाकी देखते हैं कि आगे सीरीज कैसे जाएगी, चौथा एपिसोड पांचवा एपिसोड, सीरीज तो चलती रहेगी। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को कर देना है लाइक।
तो गाइस प्रैक्टिस करने के बाद मेरी रीजनल ट्रॉफी में सिलेक्शन हो चुकी है रीजनल ब्लिट्स में, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर तुम पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मतलब जो वीडियो पहली बार देख रहे हो मतलब चैनल पे भी पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को कर दो लाइक, तो मिलते हैं तुम्हें अगली गेम प्ले वीडियो नाल अगले एपिसोड के नाल, इस तीसरा एपिसोड से चौथे एपिसोड नाल मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।